पुलिस की सख्ती कम लेकिन सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। कोरोना से बचाव के लिए घरों में ही खुद ही कैद रहे लोग। जिले में आज फिर मिले 7 कोरोना पॉजिटिव। उपचार के लिए कोविड हेल्थ सेंटर बूढ़ी में किया गया भर्ती। और सोनेवानी में जरूरतमंद परिवारों के लिए वी केयर फाउंडेशन ने बढ़ाए हाथ, पहुंचाई गरीब आदिवासियों को मदद। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द निवेश ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूल स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन। कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी बालाघाट। कॉन्टेक्ट डिटेल 9424969460@7700291। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज बालाघाट में टोटल लॉकडाउन है। सभी बाजार, कार्यालय, अनाज, फल, सब्जी मंडी, किराना आदि सभी दुकानें 24 घंटे के लिए बंद है। टोटल लॉकडाउन के चलते सभी रहवासी घरों में ही है। रविवार को लोगों ने घर से निकलना भी मुनासिब नहीं समझा। केवल आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई दुकान, अस्पताल आदि ही खुले रहे। लॉकडाउन की खास बात ये रही कि सड़कों पर पुलिस की सख्ती दिखाई नहीं दी। वहीं कुछ चौक चौराहों पर पुलिस के जवान भी दिखाई नहीं दिए। इसके बावजूद सन्नाटा कायम रहा। लोग खुद ही अपने घरों से बाहर नहीं निकले, जबकि पिछले रविवार को शहर में अनेक स्थानों पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन इस बार यह सब नदारद रहे। कुछ स्थानों पर जरूर पुलिसकर्मी तैनात रहे, लेकिन लोगों की आवाजाही बंद होने के कारण पुलिसकर्मी भी आराम से कुर्सी लगाकर बैठे रहे। कुल मिलाकर संडे लॉकडाउन का असर लोगों में बढ़ रही जागरूकता के तौर पर दिखाई दे रहा है। लोग स्वयं भी घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। यही वजह रही कि रविवार को लोग स्वयं भी घरों से बाहर नहीं निकले। कुछ स्थानों पर जरूर बच्चों को सुनी गलियों में क्रिकेट खेलते देखा गया, लेकिन वे भी कैमरा देखकर घरों में दुबक गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 26 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 7 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। 26 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 4 मरीज परसवाड़ा तहसील के ग्राम छपरवाही के हैं, जो इस ग्राम के पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए एक वाहन चालक के संपर्क में आए थे। एक मरीज खैरलांजी तहसील के ग्राम कटोरी का है, जो झांसी से वापस आया है। 2 अन्य मरीज लालबर्रा तहसील के है, जो सेना के जवान है। इनमें से एक मरीज ग्राम औलिया कन्हार का है, जो लद्दाख से आया है, और दूसरा मरीज ग्राम घोटी का है, जो जम्मू से आया है। ग्राम छपरवाही के कोरोना पॉजिटिव आए 4 मरीज परसवाड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। शेष 3 मरीज जिले में आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 2 मरीजों को आज ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 106 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 57 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 49 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में लगे लॉकडाउन में बंद हुई रोजी रोटी से कई लोग उबर नहीं पाए हैं। ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को आज भी मददगार हाथों की ज़रूरत है, ताकि उनका जीवन भी हंसी खुशी बीत सके। और ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवारों के लिए मदद के हाथ बढ़ाते हुए वी केयर फाउंडेशन कार्य कर रही है, जो इन दिनों जिले के ग्रामीण अंचलों में जाकर परिवारों की मदद करते हुए राशन बाँट रही है, जो इस संक्रमण काल में सराहनीय है। बंजारी के ग्राम सोनेवानी के कुछ ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करते हुए वी केयर फाउंडेशन के सदस्यों ने राशन बांटा, जहां लॉकडाउन से लेकर अब तक कोई संस्था या मददगार नहीं पहुंच पाए थे। वी केयर फाउंडेशन की युवाओं की टीम जिले के बंजारी के आगे बसे छोटे से गांव सोनेवानी पहुंची और ग्राम के लगभग 70 परिवारों को राशन बांटकर उन्हें कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी दी। घाट से हमारा गांव 40 किलोमीटर दूर है थाना टोला, जिसमें बालाघाट से वी केयर की टीम आई, 40-50 लोग आए, और जिन्होंने बच्चों को बिस्किट और जो गरीबमंद लोग हैं उनको चावल दाल के दिया, जिससे लॉकडाउन पर कोई नहीं आया, उससे हम अच्छा लगा। 25 जुलाई को हम बालाघाट से करीबन 40 किलोमीटर दूर सोनेवानी बंजारी से जो आगे बढ़ता है सोनेवानी में आए हैं। यहाँ हम लोग वी केयर की संस्था द्वारा हमारे कुछ 100 मेंबर के द्वारा 60 से 70 परिवारों को राशन दिया गया। ये महामारी के वक्त में हम सबको ये मिल के ही जंग लड़ना है और हम मिल के ही जीत पाएंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने आज लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और वहां पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगाने के लिए बनाए गए फीवर क्लिनिक को भी देखा। उन्होंने इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए, साथ ही मरीजों से चर्चा कर उनसे स्वास्थ्य को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। आपको बता दें कि इसके पूर्व डॉक्टर भार्गव ने जिला अस्पताल बालाघाट एवं वाराणसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया था। क्या हो गया? बच्चा कंजूस हो गया, खान का ध्यान नहीं रखा, जिस तरह का मैंने